अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हंगर स्टेशन की कंप्लीट डिलीवरी करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पूरा फुल प्रोसेस करके दिखाऊंगा। बहुत से लोग हैं, चाहे वो नए हो या पुराने हो, हंगर स्टेशन में जो डिलीवरी करते हैं, पिकअप और ड्रॉप ऑफ करने के टाइम बहुत सी गलतियाँ करते हैं, जिनकी वजह से उनकी आईडी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो आज यही मैं पूरा फुल प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि हंगर स्टेशन में कंप्लीट डिलीवरी कैसे करते हैं। पहला ऑर्डर जो करते हैं, नए नए बंदे रहते हैं, वो भी गलती कर देते हैं, जो पुराने हैं वो भी पिकअप और ड्रॉप ऑफ में गलती करते हैं। तो आज वो पूरा फुल प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन अपना पहले से ऑन करके रखा था, देख रहे हैं ऑर्डर आ चुका है। ऊपर लिखा है हंगर स्टेशन मार्केट, जहाँ का ऑर्डर है, और नीचे ड्रॉप ऑफ लोकेशन दिया है 11 किलोमीटर पे, 29 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, जो कि कभी कभी होता नहीं है। 29 मिनट नहीं लगता है, कम ही रहता है। तो पहले ऑर्डर को पिकअप कर एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो चला जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं एरो का निशान है ब्लू और वाइट कलर में, तो उस पर टच करने से लोकेशन खुल जाता है। जिस भी, चाहे वो मतम का ऑर्डर हो या सुपरमार्केट का हो, वहाँ पर उसका लोकेशन खुल जाता है। तो मैं यहीं पास ही में खड़ा हूँ जहाँ का ऑर्डर है, तो लोकेशन खोलूँगा नहीं। नीचे अराइव लिखा है, अराइव एट द विंडर, तो अराइव पे कर देता हूँ मैं। यहाँ पहले से ही मैं मौजूद हूँ। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर ऑर्डर नंबर लिखा है, लास्ट में 7375 है, यही ऑर्डर नंबर जाके बताना है। इसको बताने के बाद ही फिर ऑर्डर मिलेगा। तो अब यहाँ ऊपर जब रेडी लिख के आ जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे फिर ऑर्डर लेने के लिए। अभी तो रेडी लिख के आ गया है, तो अब चलते हैं ऑर्डर लेने के लिए। तो अब आ गया हूँ जहाँ से ऑर्डर पिकअप करना है, ये क्विक मार्केट है। यहाँ पे आ गया है ऑर्डर लेने के लिए। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर नंबर जो बताना पड़ेगा ऊपर का, 7375, उसके बाद ऑर्डर यहाँ से मिलेगा। तो नीचे आप देख रहे हैं पिकअप करना है, तो उस पर करने के बाद ऐड फोटो दिया ऊपर, और ऊपर लिखा भी है प्लीज़ टेक ए फोटो ऑफ द ऑर्डर पैकेज इंक्लूडिंग बैग एंड रिसिप्ट। तो यहाँ क्विक मार्केट का जो ऑर्डर रहता है उसमें इनवाइस नहीं देता है, रिसिप्ट नहीं देता है, तो हम बिना इनवाइस के ही उसको करेंगे, पिकअप करेंगे। तो बैग में ऑर्डर रखने के बाद आपको इस तरीके से फ़ोटो लेना है कि बैग का भी फ़ोटो आए और जो सामान है उसका भी फ़ोटो आ जाए। ठीक इसी तरह से जैसे मैं ले रहा हूँ मोबाइल से पिक्चर, ऐसे ही पिक्चर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर अपलोड करना है उसको, तो इस पर ओके करेंगे फ़ोटो लेने के बाद। उसके बाद आप देखेंगे एकदम बिल्कुल नीचे आने के बाद कन्फर्म पिकअप लिखा है, तो उस पर क्लिक करेंगे, अपलोडिंग हो रहा है। अभी ये जो है ऑर्डर पिकअप हो चुका है। ऑर्डर पिकअप होने के बाद अब आप देख रहे हैं राइट साइड में जो ब्लू और वाइट में एरो का निशान है, उस पर आपको टच करना है। उस पर आप जब टच करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कस्टमर का लोकेशन खुल के आ जाएगा, जहाँ पर ऑर्डर लेके जाना है, जहाँ पर ड्रॉप ऑफ करना है। तो इस पर टच करने के बाद अभी लोकेशन खुल रहा है, ये आ गया लोकेशन, देख रहे हैं आप 14 मिनट लिखा है, 13 किलोमीटर। तो अब चलते हैं, राइडिंग का मज़ा लेते हैं बाइक की। अब यहाँ पे मैं ऑडियो म्यूट कर दिया था, क्योंकि बाइक चलाते वक्त हवा बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो हवा की वजह से ऑडियो क्लियर नहीं थी, कुछ भी सुनाई नहीं देता। अगर मैं कुछ बोल के रिकॉर्ड करता तो कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए मैं ऑडियो को म्यूट कर दिया था। और अभी 3-4 मिनट का रास्ता और बाकी है, मैं वीडियो एडिट करके कट कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अभी यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो दिन में ड्यूटी करते हैं, बहुत से लोग हैं जो रात में करते हैं। मैं तो भाई रात में करता हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, कि दिन में दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, हालत ख़राब हो जाएगी। अभी यहाँ पर सुबह के 7 बज रहे हैं, तभी लास्ट ऑर्डर है मेरा, यही ऑर्डर करके अब सीधा मैं रूम पर जाऊँगा। मैं शाम को 7 बजे आता हूँ, सुबह 7 बजे तक करता हूँ। बस अब थोड़ी दूर और बाकी रह गया है, कस्टमर के जो लोकेशन है, कस्टमर के घर के करीब में पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पे मेन काम जो है ऑर्डर ड्राफ्ट करते वक्त जो फ़ोटो अपलोड करना रहता है ना, वही सबसे ज़्यादा मेन रहता है, क्योंकि पिकअप करने में अगर कोई प्रॉब्लम हुई थोड़ा बहुत तो मुश्किल नहीं है, चल जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर ड्राप ऑफ करने में अगर कोई प्रॉब्लम आई, तो फिर हंगर स्टेशन का मैसेज भी आपके पास आ जाएगा कि आपकी रेटिंग लो हो जाती है, इससे रिलेटेड मैसेज आ जाता है, और डायरेक्शन भी दे देता है, मैसेज में एक फ़ोटो भी डाल देता है कि किस तरीके से फ़ोटो को अपलोड करना है। तो अगर वैसा नहीं करेंगे तो आईडी ज़रूर आपकी प्रॉब्लम में आ जाएगी, मेरी भी आईडी
बंद हो चुकी है। यहाँ का जो रोड है इतना प्लेन है, इतना सही है रोड है कि ये 150 सीसी की बाइक जिसमें 140 स्पीड दी है मीटर में, 130 तक ये बाइक चली जाती है। ऐसा सिर्फ रोड की वजह से हो रहा है। बहुत ख़तरा भी रहता है इधर सऊदी में, बहुत मुश्किल है एक्सीडेंट का, बाइक में बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए सेफ्टी ज़रूर लगा लें आप। बिना सेफ्टी के काम करना बहुत डेंजरस है। और सेफ्टी भी महंगी नहीं आती है यार, बहुत सस्ती आती है, 150 से 200 रियाल में आपको बढ़िया क्वालिटी की मिल जाएगी। अगर आप सऊदी में हैं तो ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, बहुत से प्लेटफार्म हैं ऑनलाइन के जहाँ से आप उसको ख़रीद सकते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो जितने अच्छी क्वालिटी के लेंगे उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा। तो उसको ज़रूर ख़रीद लें जो भी बाइक वाले हैं, चाहे वो मदीने में हो या कहीं और भी हो सऊदी में, तो बाइक के लिए वो सेफ्टी बहुत ज़रूरी ले लें। तो अब पहुंच गया हूँ कस्टमर के लोकेशन पे, जो लोकेशन हंगर स्टेशन एप्लीकेशन में था उस लोकेशन पे आ गया हूँ। अब मैं बताऊँगा कस्टमर को कांटेक्ट कैसे करना है, उसके बाद आर्डर ड्रॉप ऑफ करने के टाइम फ़ोटो जो अपलोड करना रहता है उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप अराइव्ड एट कस्टमर लिखा है, तो इसको कर देंगे, मतलब कि हम कस्टमर के लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ नीचे कॉर्नर पे देखेंगे मैसेज का ऑप्शन दिया है, जब इस पर आप टच करेंगे तो ये मैसेज, इसमें कस्टमर से आप चैट भी कर सकते हैं। ऊपर कॉर्नर पे देखिए राइट साइड में एकदम ऊपर फ़ोन का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे आप टच करेंगे, उसके बाद ये नंबर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, फिर आपको इस पर कॉल करना है, ये कस्टमर का नंबर है। तब कस्टमर को फ़ोन करके कंफर्म कर लिया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉप ऑफ पे टच करेंगे, नीचे लिखा है। ड्रॉप ऑफ पे टच करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है प्लीज़ टेक ए फोटो ऑफ द ऑर्डर इनसाइड द हंगर स्टेशन बैग इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स होम। तो यहाँ ऐड फोटो लिखा है, इस पर टच करने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको फ़ोटो लेना है ताकि बैग भी दिखे, उसके बाद ऑर्डर जो है उसके अंदर वो भी दिखे, उसके बाद सामने जो है कस्टमर का घर दिखे, घर का दरवाज़ा दिखे, इस तरह से फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ कन्फर्म ड्रॉप ऑफ लिखा है, कन्फर्म ड्रॉप ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो ये था हंगर स्टेशन का पूरा फुल प्रोसेस, कैसे डिलीवरी कंप्लीट करना है। जैसे जैसे मैं किया हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है, आपको भी सेम उसी तरीके से करना है, नहीं तो फिर आईडी आपकी प्रॉब्लम में आ जाएगी। अगर आप पिकअप और ड्रॉप ऑफ करते वक्त अगर गलत तरीके से आप फ़ोटो शूट करते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो आईडी आपकी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो अभी तक जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।